नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी यार्न की काउंट कैसे टेस्ट की जाती है और किसी भी यार्न की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको कैसे चेक करते हैं और यार्न का सीएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। गाइज, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है यार्न काउंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बंडल स्ट्रेंथ एंड यार्न सीएसपी टेस्टिंग। तो गाइज देखिए कि सबसे पहले जो यार्न की काउंट होती है वो कैसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको कि किन किन स्टेप की आवश्यकता होती है, कौन कौन से स्टेप आप लेते हैं जब किसी भी यार्न की काउंट टेस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये है आपका रैप रील, इसको रैप रील बोलते हैं। तो रैप रील का क्या काम होता है गाइज, ये जो हैंग होती है उसको बनाने के काम आती है। तो रैप रील के अंदर ये जो आपका यहाँ से इस तरीके से एक जो सर्कल बनता है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है एक राउंड का वो 1.5 यार्ड होता है। और गाइस यहाँ पे एक काउंटर मीटर लगा होता है, तो जब आप इस हैंडल की सहायता से इसको रोटेट करते हैं तो इसके ऊपर धागा लपड़ता जाता है और जब आपके 80 रेप्स आ जाते हैं तो 80 रेप्स आने के बाद में आप बंद करेंगे और दोनों जो टेल होते हैं, एक जो इनिशियल टेल था स्टार्टिंग टेल और जो आपका लास्ट वाला टेल था, दोनों को आपस में टाई करके बांध देते हैं अच्छी तरीके से और अपनी जो हैंक होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हम ली को प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ली और स्किन ऑफ द यार्न। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं गाइस, देखिए जो हमारा कोन होता है तो उसको हम कोन होल्डर पर माउंट करते हैं और इसके बाद में फिर हम जो पैकेज होता है उससे यार्न का टेल निकालते हैं, जो फ्रंट का टेल होता है, और उसको निकाल के फिर हम डिफरेंट डिफरेंट पेसेस से पास करते हुए आपका जो रैपरील होता है तो उसमें जो टाई करने के लिए स्क्रू वगैरह लगे होते हैं उससे हम बांध देते हैं। और गाइस बांधने के बाद में फिर देखिए गाइस क्या करते हैं, और जो हमारा काउंटर मीटर होता है तो उसको हम रीसेट कर देते हैं, और रीसेट करने के बाद में फिर हम उसको हाथ से मैनुअली घुमाना चालू करते हैं। तो घुमाते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे काउंटर मीटर के ऊपर 80 रीडिंग आ जाती है, मतलब 80 रेफ्स की रीडिंग आ जाती है, तो हम मशीन को बंद करके और दोनों जो टेल होते हैं धागे के उनको जोड़ देते हैं। तो गाइस ये जो मशीन होती है इसके अंदर ऑटोमेटिक स्टॉप मोशन भी होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि ऑटोमेटिक मोशन है तो वहां पे आप क्या करेंगे कि अपने काउंटर मीटर में प्रीसेट नंबर भर देंगे, कितने रेफ चाहिए आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे 80 रेफ चाहिए तो आप वहां पे 80 रेफ भर देंगे। और गाइस इसके अंदर मोटर लगी होती है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे ये मैनुअल होता है, तो मैनुअल है तो आपको हाथ से रोटेट करना पड़ेगा और आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है, मोटर होती है तो आपको सिर्फ उस बटन दबाना पड़ता है, आपकी जो रैप रील होती है वो घूमने लगती है। और गाइस जो रैप रील होती है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है 1.5 यार्ड होता है, तो इसलिए हम 120 यार्ड की हैंक बनाने के लिए 80 रेफ्स लगाते हैं मशीन के अंदर। और जब ये हैंक कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और गाइस देखिए बाहर निकालने के बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है वेइंग ऑफ ली और स्किन ऑफ द यार्न। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमें हैंक मिल गई है तो उसको हम जो वेइंग स्केल होती है उस पर तोलते हैं। हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है गाइस, ये वेइंग स्केल है आपकी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी वेइंग स्केल है तो उसकी जो रीडिंग है 0-0 है कि नहीं है। यदि आपके वेइंग स्केल की रीडिंग 0-0 नहीं होती है तो हम फिर क्या करेंगे कि जो हमारा ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये री जीरो की पुश बटन है तो इसको पुश करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी यदि एरर होगी तो वो जीरो हो जाएगी। इसके बाद में फिर हमने जो हैंक बनाई थी उसको हम इस वेइंग स्केल पर रखते हैं और रखने के बाद में थोड़ा सा रुकते हैं तो ये जो हमारी रीडिंग है इसका जो वजन है वो कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बैलेंस है तो ये 3 डेसिमल में आपका वेट देता है, मतलब जो ग्राम्स का 3 डेसिमल तक होता है वहां तक देता है वजन, और ये ग्राम में वजन देता है। अब हम इसमें करते क्या है कि ये जो कवर होता है तो इसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं। अगर हम कवर नहीं करते हैं तो यदि आपके लैब वगैरह में यदि कोई फैन वगैरह भी चल रहा होता है तो उससे भी आपकी ये जो रीडिंग होती है उसके प्रभावित होने की पूरी पूरी संभावना होती है, ये रीडिंग स्टेबल नहीं होती है। और आपकी जो वेइंग स्केल है तो उसके आसपास में कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं होना चाहिए,
यदि वाइब्रेशन है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रीडिंग स्टेबल नहीं होगी। और यदि आपका वो सरफेस जहाँ पे आपकी बैलेंस रखी है तो वो सरफेस यदि प्लेन नहीं है तो आपकी जो रीडिंग है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो गाइस अब आपने वेट निकाल लिया हैंक का, तो अब देखिए गाइस अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, काउंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कैलकुलेशन दिखाई हुई है, ली लेंथ इज इक्वल टू 120 यार्ड, तो हमने ऊपर 120 यार्ड लिया है, 80 रेप्स लगाए थे, एक रेप होता है आपका 1.5 यार्ड का, तो 80 रेप्स कितने के हो जाएंगे, 80 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 120 यार्ड्स। तो गाइज इसके बाद में देखिए ली का वेट कितना आया, तो ली का वेट आपका देखिए यहाँ पे 8.779 ग्राम्स है, तो हमने यहाँ पे 8.779 ग्राम्स रख दिया। गाइज अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, यार्न काउंट इन न्यू इंग्लिश सिस्टम इज इक्वल टू ली लेंथ इन यार्ड इंटू 0.54 डिवाइडेड बाई ली वेट इन ग्राम्स। तो गाइस दोनों वैल्यू है हमारे पास में, ये आपकी ली लेंथ 120 यार्ड है इंटू 0.54 डिवाइडेड बाई ली का वेट, तो 8.779 है। गाइस जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा यार्न काउंट निकल के आता है 7.38 एनी। तो गाइस ये तो आ गई आपकी न्यू इंग्लिश काउंट, एनी आ गई आपकी। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ यार्न की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए गाइस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या होती है ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है यार्न का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो एक फोर्स होती है जो आपकी यार्न की हैंक को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और जो यार्न की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली आपके यार्न की परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है, वीविंग में भी और दूसरी भी कोई प्रोसेस होती है उसमें भी प्रभावित करती है। और हम जानते हैं कि जब हमारे यार्न की वीविंग वगैरह होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जर्क लगते हैं और झटके लगते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे धागे को टूटने की बहुत संभावना होती है, इसलिए हमारे यार्न की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो एनफ होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि वो जर्क को अच्छे तरीके से सह सके। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसको निकालने के दो मेथड होते हैं गाइस, एक तो होता है आपका बंडल स्ट्रेंथ और दूसरा होता है आपका सिंगल एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्योंकि हम सीएसपी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम यार्न की बंडल स्ट्रेंथ निकालें। तो गाइस देखिए बंडल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो ये जो बंडल स्ट्रेंथ का मेथड होता है जिसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम सिर्फ स्पन यार्न में अप्लाई करते हैं और जो बंडल स्ट्रेंथ होती है वो करेक्ट वैल्यू नहीं देती है, मतलब प्रिसाइज वैल्यू नहीं देती है स्ट्रेंथ की, बट ये बहुत हेल्प करती है उस केस में जब हम दो सेम काउंट के यार्न को एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर रहे होते हैं, तब ये बहुत अधिक काम आती है। और हमें क्या करना होता है कि दो सैंपल मिले हमें उनमें से एक सिलेक्ट करना है, तो हम दोनों यार्न की बंडल स्ट्रेंथ निकालेंगे और उससे सीएसपी कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा यार्न अच्छा है। तो बंडल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 120 यार्ड की एक ली बनाते हैं, तो उसके अंदर 80 रेप्स होते हैं और एक रेप्स की जो लेंथ होती है वो 1.5 यार्ड होती है। फिर हम क्या करते हैं इसको हम वर्टिकल ली स्ट्रेंथ टेस्टर की सहायता से फिर ली को ब्रेक करते हैं और जो भी ब्रेकिंग फोर्स होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, या तो हम पौंड में रिकॉर्ड करते हैं या केजी में रिकॉर्ड करते हैं या न्यूटन में रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस यदि हमें जो बंडल स्ट्रेंथ है वो मिल जाती है तो हम अपने यान की जो सीएसपी होती है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है आपको, देखिए सबसे पहले क्या होता है लोडिंग ऑफ ली ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर। तो गाइस हमने यहाँ पे ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर दिखाया हुआ है, ये है आपका वर्टिकल ली स्ट्रेंथ टेस्टर। तो इसके अंदर क्या होता है दो जो होते हैं, एक जो होता है फिक्स, ये वाला जो होता है ये फिक्स रहता है हमेशा, और ये वाला जो होता है ये मूवेबल होता है, नीचे की तरफ आता है। तो जब रिलैक्स कंडीशन होती है तो ये वाला जो होता है यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे ये पुश बटन लगे होते हैं, ये पीला वाला बटन दबाएंगे तो ये वाला आपका जो जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे जो गैप होता है दोनों जॉज के बीच में वो घट जाता है और आप अपनी ली की जो लोडिंग होती है वो इजिली कर सकते हैं। जब आपकी यार्न की जो ली है या हैंक है वो दोनों जॉज के बीच में माउंट हो जाती है या हैंग हो जाती है, उसके बाद हम गाइस क्या करते हैं कि जो हमारा लोड सेल है, ये हमारा लोड सेल है, तो इस लोड सेल के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो रीडिंग है वो 0-0 है कि नहीं। ये है आपका रीडिंग, तो ये 0-0 दिखा रहा है। यदि यहाँ 0-0 नहीं दिखाता है
तो हम इसको फिर से रीसेट कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये 0-0 हो जाती है। तो आपकी ये वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0-0 होनी चाहिए। जब ये आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसके बाद में फिर हम ये ग्रीन वाला पुश बटन दबाते हैं। तो जब ग्रीन वाला पुश बटन दबाते हैं तो ये जो बॉटम वाला जो होता है नीचे की ओर आना चालू होता है, और नीचे की ओर चालू होता है तो एक टाइम के बाद में फिर आपके यान के ऊपर जो फोर्स होता है ब्रेकिंग फोर्स वो अप्लाई होना चालू हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो ली होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो जो ली ब्रेक होती है उस टाइम का जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हो रहा होता है वो आपके लोड सेल के अंदर ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो जाता है गाइस। इसके बाद में हम ये पुश बटन दबा देते हैं तो हमारी मशीन बंद हो जाती है। गाइस हमने ली ब्रेक करना बता दिया आपको, तो जब हम ली ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ये टूट जाएगी इस तरीके से आपकी ली। और जब ली टूटती है तो आपका जो ब्रेकिंग फोर्स होता है यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है वो कितना है आपका 159.8, तो ये किलोग्राम फोर्स में है। अब गाइस यहाँ पे देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सीएसपी, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है हमने सीएसपी कैलकुलेशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी कितनी आई थी देख लीजिए, आपको यहाँ पे देखना है 159.8, तो हमने यहाँ पे रख दिया 159.8 किलोग्राम फोर्स है। और गाइस ये जो किलोग्राम फोर्स है अब हमें इसको क्या करना होता है कि एलबीएस में बदलना होता है। तो एलबीएस में कैसे बदलते हैं, एक किलोग्राम बराबर होता है 2.204 एलबीएस, तो हम यहाँ पे 159.8 में 2.204 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आता है 352.19 एलबीएस। गाइस अब हम करेंगे यान की सीएसपी कैलकुलेट, तो देखिए सीएसपी इज इक्वल टू यान काउंट इन एनी इनटू टेंसाइल स्ट्रेंथ इन एलबीएस। तो गाइस हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू रख दिए, आपकी जो यान काउंट न्यूमेरिस काउंट में आई थी वो 7.38 आई थी इनटू 352.19, ये आपकी एलबीएस के अंदर यान की टेंसाइल स्ट्रेंथ है बंडल स्ट्रेंथ। तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीएसपी निकल के आता है वो होता है आपका 2599.16। अब गाइस इसमें क्या होता है, दोनों के काउंट लगभग लगभग सेम है तो हम उनकी सीएसपी निकालते हैं। तो सीएसपी निकालने पे हमें पता लग जाता है कि कौन सा यान मजबूत है कौन सा यान पुअर है, तो जिसकी सीएसपी ज्यादा होगी वो यान बेटर माना जाता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। धन्यवाद।